ऐसी क्रिस्पी बर्गर की टिक्की बनाने के लिए आपको कौन से ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए फ्राइंग करते टाइम, वो सारे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली बार में ही आप एकदम परफेक्ट आलू टिक्की जो कि एकदम क्रिस्पी होगी वो आप बनाना सीख जाएंगे। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो आलू ले लिए हैं और इनको सबसे पहले तो हमें मैश कर लेना है। एक मैशर की हेल्प से यहाँ पे मैं मैश कर लेती हूँ इनको। आप चाहें तो फोक के पीछे का जो साइड होता है ना उससे भी काफ़ी अच्छे से मैश कर सकते हैं। अभी यहाँ पर फ्रोजन कॉर्न डाले हैं मैंने और थोड़े से ही हरे मटर भी ऐड कर दी है जो कि ये भी फ्रोजन है। आप इनके बदले फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास फ्रोजन थे तो मैंने उनको यूज़ किया है। इनको भी यहाँ पे हमें अच्छे से मैश कर लेना है क्योंकि इतने बड़े बड़े चंक्स अगर हमारे मुंह में आएंगे ना टिक्की खाते टाइम तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, साथ में लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है और इसी के साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट कर ले लिया है। इसी के साथ आधा प्याज को बारीक चॉप करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। धनिया को भी मैंने बारीक काट कर डाल दिया है और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने थोड़े से, 1/4 कप। ब्रेड क्रम्स यूज़ करने से बाइंडिंग तो अच्छे से आती ही है लेकिन आलू का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना वो भी ब्रेड क्रम्स काफ़ी अच्छे से सोख लेते हैं। और इसी के साथ हमारा मिक्सचर बन के भी रेडी हो गया है टिक्की का। आइए एक टिक्की बनाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर टिक्की आसानी से बन रही है। सो हमारा आलू टिक्की का मसाला तैयार है। अब मैंने हैंड वॉश करके तेल लगा लिया है हाथों पर और अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद एक बड़ी सी टिक्की का साइज़ लेती हूँ मैं और यहाँ पे टिक्की का साइज़ है ना आपका जो बर्गर बन है ना उसके हिसाब से आपको लेना है। जो भी आपके बन का साइज़ होगा ना उससे थोड़ा सा छोटा लेना है बिकॉज हम इसके ऊपर थोड़ी सी कोटिंग करने वाले हैं जिससे इसका साइज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसके साइड्स को मैंने अच्छे से शेप कर दिया है और यहीं पे हमारी पहली टिक्की बनकर तैयार है और इसकी थिकनेस इतनी मोटी रखी है मैंने। आप थिकनेस थोड़ी बहुत कम ज़्यादा रख सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने ऐसी रखी है। अगर आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं तो इन टिक्कों को इस स्टेज पर बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। टिक्की को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया है, ये टोटली ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है और उसी के साथ 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है। साथ ही में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के यहाँ पे हल्का सा पानी मिला लेना है। पानी को हमें ध्यान रखना है कि बैचेस में ऐड करना है क्योंकि हमें बहुत पतली स्लरी नहीं बनानी है। सो मैंने यहाँ पर टोटल 1/2 कप के अराउंड पानी लिया है और एक अच्छी सी स्लरी हमारी बनके रेडी हो गई है और थोड़ा सा पानी यहाँ पे लास्ट में बच भी गया था तो उस अंदाज से आपको रेडी कर लेना है। कुछ ऐसी स्लरी हमारी रेडी हो जाएगी। तो स्लरी बनकर यहाँ पे तैयार है और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स भी रेडी कर लिए हैं। बस ब्रेड को हल्का सा क्रश कर लेना है एंड दैट्स इट। सबसे पहले हमने जो टिक्की बनाई है ना उसको स्लरी में डिप कर लेना है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हमें उसके ऊपर डाल लेना है ताकि हर जगह अच्छे से कोट हो जाए। अच्छी तरह स्लरी से कोट करने के बाद एक फोक की हेल्प से मैं इस मिक्सचर को उठाकर धीरे से हल्के हाथों से हमें यहाँ पे इसे उठा लेना है और हमारा जो क्रम्स है ना उसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पर भी हमें हल्के हाथों से जो क्रम्स है ना हमारी टिक्की के ऊपर कोट कर लेना है और कुछ ऐसे उसको डस्ट कर लेना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा या एक्सेस हो ना वो निकल जाए। आलू टिक्की बनाते हुए वो भी खासकर बर्गर के लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसे डबल कोट करें, पहले तो स्लरी के साथ और उसके बाद यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में हमें इसे कोट कर लेना है। डबल कोट करने से ये अश्योरिटी हो जाती है कि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी अंदर जाके खुलेगी नहीं और हमारी टिक्की भी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और बहुत ज़्यादा फ्लफी भी उसका टेक्स्चर आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने डबल कोटिंग कर ली है टिक्की की और जो भी एक्स्ट्रा क्रम्स थे ना उनको भी मैंने डस्ट कर लिया है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने सारी टिक्की रेडी कर ली है और टोटल यहाँ पर 4 टिक्की बन के रेडी हुई थी। तेल अच्छे से गर्म हो गया है वो चेक कर लेते हैं एक ब्रेड का टुकड़ा डाल के। और अभी इस स्टेज पे हल्के हाथों से मैंने एक टिक्की अपनी प्लेस कर दी है और कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पर दूसरी टिक्की भी मैंने ऐड कर दी है ऑयल में। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें तुरंत नहीं पलट लेनी है टिक्की, जब कुछ सेकंड्स हो जाए ना, जब हल्का सा कलर आने लगे, आपको लगा ये जो बबल्स होते हैं वो थोड़े से हल्के हो जाएँ, उसके बाद हमें पलटना है। अगर आप तुरंत ही ट्राई करेंगे ना कि टिक्की को मैं पलट दूँ या फिर थोड़ा सा हिला दूँ तो हो सकता है और नीचे स्टिक भी हो जाए, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा इस स्टेज पर। 2 से 3 बार यहाँ पर पलट पलट कर मैंने अच्छे से इनको सेक लिया था जब तक कुछ ऐसा सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। सो इसी तरह मैंने हमारी टिक्की को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लिया है और इसे आराम से हमें धीरे से बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर लास्ट टिक्की भी बन चुकी है। हर एक टिक्की पर इतनी ही खूबसूरत लेयर बनी है। बर्गर स्प्रेड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मेयो, थोड़ा सा टमाटो केचप और थोड़ी सी रेड चिली सॉस डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है।
और हमारी बर्गर सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है। लास्टली मैं मेरे बर्गर बन को भी कट कर लेती हूँ दो पार्ट में और नाउ हम अपने बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इनको हल्का सा सेक भी सकते हैं बटर में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी टिक्की को प्लेस कर दिया है मैंने, उनके बाद उसके ऊपर ऑनियन रिंग्स रखे हैं और थोड़ा सा टमाटर के स्लाइसेस भी मैंने रख दिए हैं ऊपर। हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है और हमने जो सॉस बनाई थी ना बर्गर वाली, उसको भी मैंने दूसरे साइड पर लगा कर हल्की सी चीज़ लगा के, और देखिए इस तरह से हमें प्रेस करना है सो दैट जो सॉस है ना हल्की सी बाहर निकले, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।